Hello students I am Kiran from Anjanagar Palika English medium primary school uh, today we will start standard 6 english semester 1 amazing animals lesson number 2 is amazing animals uh, now we will start with activity 4 battle in the jungle part 2 now students uh, today we will start with activity 6 amazing animals listen amazing means extremely surprising there are many amazing animals in the world but many animals are in danger of extinction extinction means a situation in which something no longer exists when animals are exist they no longer exist on earth extinct Means, जो एनिमल्स अब पृथ्वी पे देखने नहीं मिलते हैं एनिमल्स दैट आर इन डेंजर बिकमिंग एक्सिस्ट आर कॉल्ड एंड एंडेंजर्ड एनिमल्स सम ऑफ दिस एंडेंजर्ड एनिमल्स लिव इन इंडिया वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉग एंड इट इज वेरी रेयर स्टूडेंट्स एक्सटिंक्ट means extinct is adjective and not now existing मतलब अभी इस दुनिया में नहीं है अस्तित्व में यहाँ पे पृथ्वी के अस्तित्व पे वो चीज अभी देखने नहीं मिलती है extinct. And here एंड डेंजर्ड येंजर एंड डेंजर्ड मीनिंग इज एनिमल्स दे आर इन डेंजर्ड ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट जो एनिमल्स अब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं जो एनिमल्स का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होने वाला है वो एनिमल्स हैं एंड डेंजर्ड एनिमल्स पहले हमें डायनासोर्स दिखते थे अब वो दिखते नहीं है वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं और धीरे धीरे जैसे कि अपने लायन्स हैं लाइंस को बचा रहे हैं क्यों बचा रहे हैं कि वो एंडेंजर्ड हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ पे नहीं दिखने मिलते हैं पृथ्वी पे कम होते जा रहे हैं एंडेंजर्ड एनिमल्स में उनकी गिनती हम कर सकते हैं वन इज कॉल्ड द इंडियन पर्पल फ्रॉक यहाँ पे एक इंडियन पर्पल फ्रॉक की बात की गई है जो एंडेंजर्ड में है एंड इट इज़ वेरी रेयर रेयर मीन्स नॉट कॉमन वेरी अनयूजल The purple frog lives in India's Western Ghats. This unusual places has mountains, uh, forests, savannah, pit for, pit bogs, and freshwater wetlands. Because the Western Ghats have so much variety, it is home to a large variety of plants and animals. One of these animals. The purple frog was only recently discovered. इंडिया के वेस्टर्न घाट्स पे काफी सारे माउंटेन्स फॉरेस्ट हैं वहां पर बहुत सारी वेराइटीज देखी जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की और उनमें से पर्पल फ्रॉग के बारे में यहाँ पे बताया गया है ऑल दो लोकल पीपल न्यू अबाउट द फ्रॉक साइंटिस्ट ऑनली डिस्कवर्ड इट एंड रट वॉज अव स्पेस इन टू थाउजेंड थ्री द फ्रॉग बरोउंड एंड इट टमाइट इट कॉल्ड द पर्पल फ्रॉक साइंटिस्ट ने दो हजार तीन में इन्हें डिस्कवर किया था लेकिन इससे पहले वहाँ के जो लोग रहते थे लोकल लोग थे उनको पर्पल फ्रॉक के बारे में पता था साइंटिस्ट ने 2003 में इसे ढूंढ निकाला द पर्पल फ्रॉक इट इज़ कॉल्ड द पर्पल फ्रॉक द इंडियन पर्पल फ्रॉक और पिग नोज फ्रॉक इसे इंडियन पर्पल फ़्रॉक या तो पिग नोज फ्रॉक भी कहते हैं डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम एनिमल कैन बी कन्फ्यूजिंग अलग अलग नाम कन्फ्यूज़ करते हैं सो इसीलिए साइंटिस्ट गिव एनिमल्स एंड प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स काफ़ी सारे नेम्स ऐसे होते हैं कि जिसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसे अब क्या बुलाया जाए इसीलिए साइंटिस्ट उसे एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो उसी के नाम से वो जाने जाते हैं एंड यहाँ पे द साइंटिस्ट नेम फॉर द पर्पल फ्रॉग इज़ नासिक का बतरा चू सा हाइड्रेंसिस यहाँ पे इतना बड़ा नाम दिया है साइंटिस्ट ने इस पर्पल फ्रॉग को इट इज़ अ लॉन्ग नेम बहुत लॉन्ग है नेम बट द नेम इज़ यूजफुल फॉर साइंटिस्ट ये साइंटिस्ट के लिए बहुत ही यूज़फुल है इसी लिए इतना बड़ा इसको नाम दिया गया है बिकॉज ऑल द साइंटिस्ट नो दिस वन नेम इज़ फॉर दिस वन काइंड ऑफ फ्रॉक ये एक फ्रॉक के लिए नाम दिया गया है सभी साइंटिस्ट को इसके बारे में पता होता है नाउ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी सेवेन डायनासोर्स आर एक्सिस्ट द पर्पल फ्रॉग इज एंडर्ड एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड यहाँ पे आपके लिए दो वर्ड्स दिए गए हैं एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड हाउ आर दिस टू वर्ड्स डिफरेंट ये कैसे डिफरेंट हैं दोनों वर्ड्स अलग अलग तो आपको डिक्शनरी की हेल्प ले कर इनके बारे में आपको सर्च करना है कि इंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से कौन से हैं और क्या है और एक्सटिंक्ट मतलब क्या है एक्सटिंक्ट का मतलब होता है अभी पृथ्वी पे वो नहीं दिखने मिलते हैं और एंडर्ड मतलब अभी उनका अस्तित्व खतरे में है नाउ नेम फाइव एनिमल्स दैट आर एक्सिस्ट एक्सटिंक्ट सॉरी एक्सटिंक्ट पांच एनिमल्स के ऐसे नाम लिखने हैं आपको जो अस्तित्व में नहीं है एक्सटिंक्ट हो गए हैं और नेम फाइव एनिमल्स दैट आर इंडेंजर्ड अभी खतरे में है नाउ स्टूडेंट्स इन एक्टिविटी एट द पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉग्स पर्पल फ्रॉग इज लार्जर देन मैनी अदर फ्रॉग्स इट हैज वेरी फैट बॉडी एंड शॉर्ट साउट लेम्स Males are 60 percent smaller than females. Amazing, really, it's very amazing that ma males are 60 percent smaller than females. The small head seems too short for the body. Here, you can see the purple frog. How does it look now? The small head seems too short for body and the firm snout sticks out in, the, in a small white knob the purple frog has a sole shaped bump on each back legs and rounded toes on webbed fit for digging the snout and legs help the frog dig in the ground for insects the small clear black eyes are above the narrow mouth see ya yes, students small and clear dikh rahi hain ऐसी black eyes are नैरो माउथ ऊपर के छोटा सा माउथ है उसके ऊपर उनकी आईज दिख रही हैं the frogs mouth is only large enough to eat small insects like termites and frogs favorite food इतना काफी है फ्रॉक का माउथ द स्मॉल राउंडेड टंग द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक्स आउट बिटवीन द हार्ड अपर जाओ एंड द सॉफ्ट लोअर जाओ द टंग हैज राउंडेड टिप एंड द फ्रॉग हैज नो ट्रिथ Amazing, really amazing. The frog has no teeth. The tail is light brown. The tail is light brown with dark brown patches. The smooth skin in dark purple on the back that fed to gray on the belly. Now, students fed means to lose color. पहनते हैं और उनका कलर निकल जाता है तो कैसे हो जाते हैं फेड हो जाते हैं ओके नाउ एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स नाउ नाउट टू फैट एंड सॉलिड लुकिंग स्नाउट मीन्स द नोज एंड माउथ स्टक आउट फ्रॉम द फेस नोब मीन्स द राउंड लम्ब ऑन द सरफेस बम्प मीन्स द राउंड रेज एरिया ऑन द बॉडी जाओ मीन्स आइदर ऑफ द To bones in mouth of man or animal. Patch means a local area. Belly means stomach. Now in activity nine students. When scientists discovered a new animals and plants, they describe them very carefully. Without careful description, uh, two animal species might be confused. Notice carefully details uh, in the description of the purple frog which part of the frogs are carefully described now you have to write which part of the animals are carefully described now i will describe the part of the animals body and limbs head legs and toes eyes mouth and tongues and tail and back and belly these parts of the frogs frogs are carefully described वॉट बिहेवियर बिहेवियर्स आर डिस्क्राइब्ड यहाँ पे फ्रॉग का कैसा बिहेवियर डिस्क्राइब किया गया है तो विद द हेल्प ऑफ द स्नाउट एंड लेग्स द फ्रॉग डिग्स इन द ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स द स्मॉल राउंडेड टंग स्टिक आउट फॉर इंसेक्ट्स अंडरलाइन ऑल द एडजेक्टिव दैट आर यूज टू डिस्क्राइब द फ्रॉग नाउ फ्रॉग के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं उनको आपको इधर लिखना है तो फ्रॉग कैसा तो फ्रॉग पर्पल फ्रॉग लार्ज फ्रॉग मैनी अदर फैट फ्रॉग, शॉर्ट फ्रॉग, स्नाउट फ्रॉग, स्मॉल फ्रॉग ऐसे अलग अलग जो टेक्स्ट में यहाँ पे जो फ्रॉग के लिए अलग अलग एडजेक्टिव्स दिए गए हैं उनके बारे में आपको नोट में लिखना है एडजेक्टिव्स स्मूथ फ्रॉग ग्रे कलर का फ्रॉग एडजेक्टिव्स के बारे में आपने अलग आगे